आगामी विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं और अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर साधना न्यूज संवाददाता ललित शर्मा ने इंदौर के विधायक संजय शुक्ला और देपालपुर विधायक विशाल पटेल से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला जी और विशाल पटेल जी। आइए सीधे बात करते हैं। सर, कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है कि आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर सके? आते हुए समय में जिस प्रकार से अभी जो माहौल बना हुआ है बीजेपी सरकार के खिलाफ, आम जनता के बीच में एक रोष है महंगाई को लेकर, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से जो मृत्यु दर बढ़ी थी वो एक सबसे बड़ा फेल्यूर का कारण था बीजेपी का। इस मध्य प्रदेश के अंदर मैं तो समझूं कि तीनों विधानसभा और लोकसभा कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, उसका एक सबसे बड़ा कारण भी है कि किसी भी चीज़ पर माननीय शिवराज सिंह चौहान भी और पूरी बीजेपी सरकार, उस मध्य प्रदेश में हो या सेंट्रल में हो, कहीं ना कहीं विफल रही है। और बड़ा एक फैसला निश्चित तौर पर आम जनता लेने जा रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार से संतुष्टता आम जनता को इस सरकार से नहीं है। संजय शुक्ला जी से बात करते हैं। संजय जी, सरकार ने जो कोरोना पीड़ित जो लोग मर गए हैं उनके परिवार में कोई बचा नहीं है, कमाने वाला नहीं बचा है, सरकार यदि आपकी आती है आगामी चुनाव में तो किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जाएगा? देखिए, जो अब आज की सरकार है उन्होंने, आपने देखा होगा आदरणीय शेरवाद जी ने, पर जो कोरोना वायरस को 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा करी थी, परंतु आज भी मेरे विधानसभा या पर मध्य प्रदेश के हर विधानसभा के लोगों ने अपने अपने जो सर्टिफिकेट कागज पूरे पेश कर दिए, परंतु अभी तक एक जने को 1 लाख रुपए नहीं मिले। सिर्फ घोषणा करते रहते आदरणीय शिवराज सिंह जी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। हमारी सरकार आती थी, देखिए हमने कर्जे माफ़ करे, हमने कन्याओं की जो 21-51 हज़ार कर दिए, बिजली के लिए कम 100 रुपये कर दिया, जो हम बोलते हैं कांग्रेस आधे पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में हमने वो करके दिखाया। जो भारतीय सरकार 15 साल में नहीं कर पाई वो हमने 15 महीने करके दिखाया। वो देखिए 2000 उन्होंने घोषणा करी थी, परंतु वो एक भी सक्सेस नहीं हुई। हमने जो घोषणा करी वो आसम करके दिखाई। और है आज बात लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की बात, देखिए ये कोरोना चुनाव के अंदर जो एक्सपायर हुए, कैसे एक्सपायर हुए, कोरोना से हुए। एक केंद्र सरकार तो मान ही नहीं रही कि ऑक्सीजन कमी से लोग मरे हैं, तो फिर उनके प्लेन से क्यों ऑक्सीजन आ रही थी? वो ऑक्सीजन स्वागत कैसे किया जा रहा? पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंदौर के अंदर जो ऑक्सीजन प्लेन से आई पहली बार से इंदौर में आई थी, उसके अलावा इंदौर में जो बाय रोड ऑक्सीजन आई थी उसके लिए उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद जितने से मिलकर रोड पर बर्थडे हैप्पी बर्थडे मनाया जाता, जिसका मतलब ऑक्सीजन कम थी तो आया था। उसके बाद देखिए इंदौर में आज भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने से हजारों लोगों मौत हुई। एक एक मैं तो आप बता रहा हूँ, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नहीं बता रहे हैं, एक एक अस्पताल में 80-80 लोगों की मृत्यु हुई है, ये हम जानते हैं। परंतु क्या है, हमारा सबूत नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतना सख्त था और हमको जाने नहीं दिया। इंदौर के अंदर ऑक्सीजन से कई मौतें हुई, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हुई है मौतें हुई। वो यहाँ तक कि जो हमारे विधायक और जो सांसद एक्सपायर हुए वो भी कोरोना से हुए, मध्य प्रदेश सरकार उनको नहीं बचा पाई, तो आम जनता को कैसे बचाया होगा? या आप खुद जानते हैं गाँव में शहर में क्या स्थिति, तो शहर की स्थिति तो गाँव के अंदर ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना नर्सेस है, कुछ भी नहीं है, तो गाँव की स्थिति इतनी खराब है। परंतु अब चुनाव जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस जीतेगी, वो कांग्रेस की ही पार्टी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। देखिए 4 में से 3 जगह तो जो कांग्रेस से गए हैं उनको टिकट दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट भी नहीं, ना उनका वर्चस्व है, तो कांग्रेस की पार्टी के लोगों की वर्चस्व लिए उन्होंने कांग्रेस के ही लोगों को टिकट दिया है। विशाल जी से बात करते हैं, वर्तमान में किसानों की क्या स्थिति है? आज जिस प्रकार से एक बड़ी भयावह की स्थिति जो कोरोना ने आई थी, आम जनता या जितने किसान हैं वो कहीं ना कहीं समृद्ध नहीं है। पिछले 2 वर्षों से कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो जनता के, आम किसानों के हित में हो। मुआवजे के तौर पर कोई सर्वे नहीं हुए हैं, फसलें खराब हुई है और सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे किसानों को, आज भी फलीफूत किसान नहीं है। और आज भी एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं शिवराज जी की ओर, लेकिन कहीं भी एक आज तो ठीक है। मैं तो ये कहूँ कि किसी भी प्रकार का मुआवजा या कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं बनाया कि किसानों को वो समृद्ध कर सके। ग्राम स्वामित्व योजना की बात कर रहे हैं, मैं तो सभी योजनाओं की, जितनी भी किसान संबंधित किसान की योजनाएं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो तय करी थी, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, मेरी ही विधानसभा की बात अगर आप ले लेंगे तो यशवंत सागर में डूब क्षेत्र की जमीन है, लोगों की फसलें डूब गई,
आज तक पिछले 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिला, भटक रहे हैं बेचारे। जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय हम लोगों ने इसकी पहल करी थी और कैबिनेट तक पहुंचा भी दिया था, लेकिन आज भी वंचित है सब उस चीज से। तो ये थे विधायक द्वय जिनका कहना है कि आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, साधना न्यूज़, इंदौर।